जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है एचसीएफ। एलसीएम मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने एलसीएम की वीडियो नहीं देखी वो इस प्लेलिस्ट में चले जाएं, उनको एलसीएम टॉपिक मिलेगा, वहां से उसको कवर कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे लेवल को अपडेट करते हुए चलेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है सबसे पहले ये जान लेंगे। हमने इसके वर्ड की फुल फॉर्म तो समझ ली कि एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है तो आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, है ना। जब दो नंबर हो या दो से अधिक नंबर हो, ठीक है, उन नंबरों को विभाजित करने वाला जो हाईएस्ट नंबर होगा वही उन नंबरों का एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। कैसे, मैं अभी आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दूं जिससे आपका ये चीज क्लियर हो जाए, तब मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि दो या तीन संख्याओं का एचसीएफ उनमें से एक संख्या से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि उनमें जो एचसीएफ होगा, जो संख्याएं दी गई होंगी उनसे अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है एक। जी हाँ दोस्तों, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, वो विभाज्य नहीं है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? उनका एचसीएफ वन होगा। क्लियर है, आगे मैं आपको बताऊं। यदि एक संख्या किसी अन्य संख्या का गुणनखंड है तो उनका एचसीएफ छोटी संख्या ही है। ये बातें आप याद रखना, अब इनको देखना यूटिलाइज करके क्वेश्चन और ऑप्शन को देखकर हम ऐसे ही क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और इन लाइनों को आपको याद दिलाऊंगा और ये लाइनें अगर आपके दिमाग में छपी हैं तो ऑप्शन देखकर आप क्लिक कर दोगे। अगर ये छोटी छोटी बातें आप अपने मन में नहीं रखोगे, दिमाग में नहीं रखोगे, तो आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है आप भ्रमित भी हो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये दिखने में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी आंखों में, दिल में, दिमाग में छाप लो आप। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एचसीएफ होता क्या है, जैसे मैं कह रहा था ना, अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपने पहले फैक्टर पढ़ा हो, गुणज पढ़ा हो, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कैसे है, अभी इसी एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो 12, 16 और 20 का एचसीएफ पूछा है, यानी कि एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 16 और थर्ड नंबर है आपका 20। यही है, 12 का फैक्टर क्या होगा? वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, 12, यही होगा, राइट। 16 का फैक्टर क्या होगा? वन, टू, फोर, एट, 16, क्लियर। और 20 का फैक्टर क्या होगा? वन, टू, फोर, फाइव, 10, 20। अब ये फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर वो होता है बच्चों, ये देख सकते हो आप कि वन तो देखो सबका ही फैक्टर होगा, है ना। तो वन टू उस नंबर तक जिस नंबर का फैक्टर पूछा गया है, जितने नंबर है
है ना, जो इनके फैक्टर होंगे जो इनको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 12 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 12 को 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 4 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, और आपका 6 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, और 12 तो करेगा ही करेगा। इसी तरह सारे नंबर आप बाकी 16 और 20 के फैक्टर देखोगे, ये इनको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो हमें 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है जिस नंबर का फैक्टर पूछा गया है, वो सारे नंबर आ जाएंगे जो उस नंबर के फैक्टर हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर था आपका, है ना, ए में आपका था 12, बी में, बी जो सेकंड नंबर था आपका 16, सी जो थर्ड नंबर था आपका 20, तीन नंबर दिए गए थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों नंबरों के फैक्टर देखने के बाद, जी हाँ दोस्तों, इन तीनों नंबरों के फैक्टर देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, है ना, कॉमन फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो इन तीनों की फैक्टर में नजर आता हो, तो 1 तो देखो होता ही है ना, ये तो हर जगह होता है। सेकंड आप देख सकते हैं 2 2 2 2, तीनों के फैक्टर में कॉमन है, वेरी गुड। अब कौन सा नंबर कॉमन है? 4 आप देख सकते हैं, 12 16 और 20 तीनों में कॉमन है, वेरी गुड। उसके बाद क्या कोई ऐसा नंबर है आफ्टर 4, 4 के बाद जो 12 16 और 20 के फैक्टर में कॉमन हो? जी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सर 12 16 और 20 के फैक्टर में 1 2 और 4 कॉमन है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये कॉमन है, तो अब आप ये बता दो कि इस कॉमन नंबर में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो आप कहोगे सर हाईएस्ट तो क्लियर नजर आ रहा है, 4 है। कौन है? 4 है। तो ये 4 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट है तो एच, और फैक्टर है तो फैक्टर, और पूछा क्या है? एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर? तो 4 क्या हो गया हमारा? महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो ये वो तरीका है जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से। ठीक है, अभी जब इस तरह के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लोगे, और जब क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन देखोगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये, समझ रहे हो? ऑप्शन देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा पानी की बोतल देना। आगे बढ़े, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपने सीखा हो अगर, आपको याद हो, ठीक है, तो मैं बता देता हूं, ध्यान देना। एक ये नंबर है 12, है ना, सेकंड नंबर है आपका 16, थर्ड नंबर है आपका 20, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप ये बताइए मुझे। सबसे छोटा नंबर है 12, ठीक। उसके बाद छोटा नंबर कौन है 16 और 20 में से? तो आप कहोगे 16। चलो जी 16 ले लिया हमने, अब इसी 12 से 16 को डिवाइड करो, 12 बन जा 12। प्यास लग गई थी, ये प्यास है बड़ी। 12 बन जा 12, 16 में से 12 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर? 4। क्लियर है यहां तक? अब इसी 4 से, जी हाँ दोस्तों, मैं कलर चेंज करता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। अब इसी 4 से आप डिवाइड करोगे, किसे करोगे? इस 12 को करोगे, ठीक, इस 12 को डिवाइड करोगे आप, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या आया? 4। ठीक है, तो ये 4 किसका एचसीएफ आया है? ये 4 आया है हमने दो नंबर जो लिए हैं 12 और 16 का, 12 और 16 का एचसीएफ क्या हो गया? 4। क्लियर है? यानी कि अगर आप देखोगे तो
तो 12 और 16 को कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर 4 होगा, जो इनको डिवाइड कंप्लीटली करेगा, और हाईएस्ट नंबर भी होगा जो इन 12 और 16 को एक साथ डिवाइड कर सकता है। 4 के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 12 और 16 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। यहां तक क्लियर है आपको? अब आपके पास एक नंबर बच गया था, वो नंबर था 20, है ना। अब इस 20 का 20 कर देते हैं, ये है हमारा 20। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक, किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा बाकी दो नंबरों का एचसीएफ आया है, क्या आया है, 4 आया है ना। अब इसी 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 20 काटा, है ना। अब लास्ट में वो नंबर कौन सा है जो तीनों नंबरों को डिवाइड करने के बाद 0 लाता है, तो आप कहोगे सर वही नंबर तो है जो लास्ट में था, कौन सा, जो यहां था वो यहां है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, HCF। जो पहली बार कर रहे हैं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मेट को देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जैसे से बता रहा हूं वीडियो को पॉज कीजिए, एक स्टेप लिखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर एक स्टेप देखिए, ऐसे भी अगर आप देखते हैं तब भी आपका HCF का कॉन्सेप्ट जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। तो एक तो वो तरीका था कॉमन फैक्टर का, अब कॉमन फैक्टर से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करना, आगे जब क्वेश्चन और ऑप्शन दूंगा तो वहां देखना ये लॉजिक काम आएगा, और ये बेसिक तरीका है, जब आप फंस गए हो कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो इस लॉजिक के साथ भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, इसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखो अब ये एक क्वेश्चन है 175, 63 और 147, ठीक है। अब इसका अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ये मैं आपको देता हूं, होमवर्क में नहीं, अभी क्लास वर्क में करना है आपको, निकालो और इसका एचसीएफ बताओ आप। 175, 63, 147 का एचसीएफ बताना है आपको। देखो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आप कहोगे गुरुजी 63 है, है ना, 63, क्लियर। इसके बाद 175 और 147 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ, 175 और 147 में छोटा नंबर कौन सा है, आप कहोगे सर 147 क्लियर दिख रहा है, जी हाँ दिखना चाहिए, तो 63 है ना, तो 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 147 में से 126 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1, 14 माइनस 12 2, क्लियर है। अब देखो कितने आराम आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना, कोई एक्सक्यूज मत देना कि जल्दी में पढ़ा दिया, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझ में आना चाहिए आपको, पूरा ध्यान दो आप, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, 21। अब इसी 21 से आप किसको डिवाइड करोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया आपने, 63 को डिवाइड करोगे, अब जो रिमाइंडर आया है उसी से 63 को डिवाइड करो, 3 पर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो यहां पे रिमाइंडर में 0 आएगा, क्लियर है यहां तक। तो दो नंबर 63 और 147 का एचसीएफ क्या आ गया आपका, सर कहोगे आपकी 21 आ गया, ठीक है। अब जब दो नंबरों का एचसीएफ 21 आया है तो भाई इसी को हम नेता घोषित कर देते हैं, जैसे एक काना होता है ना, अंधों में काना राजा, ठीक है। अब इसी 21 से किसको डिवाइड करेंगे, 175 को करेंगे, अब बताओ कितने पे जाएगा, एट पर जाएगा,
81 जा 8, 82 जा 16, ठीक है, माइनस करो 175 में से 68 को, 7, क्लियर है। अब इसी 7 को आप 21 से डिवाइड, 20, अब इसी 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, है ना, 21 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, ये आपका हो गया 0। तो अब एक बात बताओ, तीनों नंबरों को सॉल्व करने के बाद वो कौन सा नंबर है जो लास्ट में 0 प्रदान करता है? तो आप कहोगे सर वो 7 है। कौन है? 7। तो ये 7 क्या हो जाएगा? HCF किसका? 175, 163 और 147 का HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 7, ठीक है। 7 क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है आपको? सब कुछ क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 16, 72, 28 का महत्तम समापवर्तक है। अब चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 1, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो 16, 72 और 28 का महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखकर आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ये लॉजिक बताता हूं आपको। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लो आप 4। अब देखो 4 से 16 डिवाइड हो रहा है, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 जा 16, ठीक है सर, ये भी करेक्ट है। 72 को 4 से डिवाइड करके देखो, सर ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह 28 जो लास्ट नंबर रह गया, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, सर ये भी करेक्ट है, 4 7 28, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, दिए गए चार ऑप्शनों में सबसे बड़ा नंबर है कौन? 4 है। और जो सबसे बड़ा नंबर जब चारों ऑप्शनों में से 4 ही है और 4 इनको कंप्लीटली डिवाइड भी कर रहा है, तो ऑब्वियस है, कहने वाली कोई बात नहीं है, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही राय है और वो प्रदीप राय है जो आपके सर हैं, ठीक है। तो 16, 72 और 28 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 4, यानी कि ऑप्शन बी, क्लियर है। कोई डाउट आप लोगों को? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, और चार ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़कर जो लॉजिक बताया है उस लॉजिक का इस्तेमाल करके इसका आंसर दीजिए, है ना। क्या कहा है? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 64, बताइए। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? ए 24, बी 40, सी 132, डी 64। बताइए। बताऊं नंबर कौन कौन से हैं? 258, जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है वो नंबर कौन सा है? 258। दो नंबर इसमें दिया है, एक तो दिया है 258 और दूसरा क्या नंबर दिया हुआ है?
दूसरा नंबर जो इन्होंने दिया है वो है 3, 2, 3। ठीक, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो शेष कितना रखती है, क्रमशः बोला है, यानी कि क्रमशः यानी कि पहले में 2 और उसके बाद वाले में 3 रिमाइंडर रखती है, शेष रखती है। तो 258 में से 2 माइनस करेंगे, 323 में से 3 माइनस करेंगे, तो हमें नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा हमें 256। क्लियर, यहां 323 में से 3 को माइनस करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, 320। यहां तक क्लियर है आपको? अब एक बात बताओ, 256 और 320 का अगर आपको HCF निकालने के लिए कहा जाए, है ना, HCF, तो कैसे निकालोगे? अब इन दोनों नंबर का HCF आप दिए गए 4 ऑप्शन को देखकर निकाल सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 256 और 320 को कंप्लीट डिवाइड कर दे। दिए गए 4 ऑप्शनों में सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन देखो, एक नजर दौड़ाओ और डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करो, तो आप देखोगे कि ऑप्शन डी यानी कि 64 वो बड़ा नंबर है ना, जो डिवाइड करेगा 256 को और 320 को, दोनों को एक साथ एक ही नंबर 64 ही डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। और दिए गए बाकी के 3 ऑप्शन आप अप्लाई करके देखो, सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसको। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब मैं क्लास में आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित प्रश्न देखे और समझे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम एलसीएम और एचसीएम के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से कैसे बनते हैं उन्हें करेंगे, रेशियो वाले कैसे बनते हैं हम उन्हें करेंगे। ठीक है, टाइम का, काम का, किस तरह से एलसीएम का और एचसीएफ का उसमें यूज होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।